मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बोरगांव बुजुर्ग में दो सराफा दुकानों पर शनिवार देर रात चोर घुस गए और दुकान में रखे सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ किया। बोरगांव बुजुर्ग में चोरी की अब तक की सबसे बड़ी वारदात बताई जा रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि चोरों ने दुकान से कितने का माल चोरी किया। वहीं चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। खंडवा के बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार रात को चोरों ने दो सराफा की दुकानों पर अपना निशान बनाकर लाखों के गहने चुरा लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गांधी चौक पर आमने सामने स्थित प्रकाश सोनी की जयदीप ज्वेलर्स और सीताचंद सोनी की चंचल ज्वेलर्स दोनों दुकानों पर बेखौफ वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है। पंधाना थाना क्षेत्र के बोरगांव में शनिवार देर रात 8 से 10 नकाबपोश बदमाश सराफा दुकानों की शटर और चैनल तोड़कर सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे आधा दर्जन चोर पहले शटर उचकाकर दुकान में घुसे और धीरे धीरे करके दुकान के माल पर हाथ साफ कर दिया। दोनों दुकानों से कितने रुपए का माल चोरी हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चोरी लाखों रुपए की हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि पुलिस मौके पर है, हर एंगल से चोरों की तलाश की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर है, साइबर टीम भी एक्टिव है। जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लगातार पुलिस टीम इस पर काम कर रही है। हाँ, घटनाक्रम ये है कि प्रकाश सोनी और सिताब सोनी करके दो ज्वेलर हैं इनके, और जयदीप ज्वेलर और चंचल ज्वेलर करके। यहाँ पर बीती रात को कुछ लोगों ने नकबजनी की है और दुकान में से सोना चांदी का कुछ बॉक्स वगैरह लेकर गए हैं। तो उसमें अभी सुबह जैसी सूचना प्राप्त हुई तो थाना प्रभारी और उनकी टीम और एसडीपी साहब मौके पर ही हैं। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट भी मौके पर हैं और अभी प्रारंभिक कार्रवाई हो रही है वहाँ पर। अभी ज्वेलर द्वारा ये बताया नहीं गया है कि उनका कितना गोल्ड था और वो कितना गया है, इसका वो अभी हिसाब में ला रहे हैं और इसके पश्चात अभी FIR हो जाएगी। बिफोर पुलिस अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दिया है। अभी तो हमारी टीम एक्टिव हुई है और टीम एक्टिव होने के पश्चात अभी हमारा साइबर भी एक्टिव हुआ है और अन्य जिलों से भी हमारा संपर्क चल रहा है, इसके बाद हम बता पाएंगे। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।